अब वीडियो को एक बार स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो। नावी एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ पे हमें 22,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है और ये जो लोन हमें मिल रहा है वो जीरो प्रोसेसिंग फी के ऊपर यहाँ पे जीरो फोरक्लोजर के साथ हमें ये लोन मिल रहा है। तो भाई साहब अगर आज के टाइम में देखे तो नावी के अंदर हर एक तीसरा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग को ये रिजेक्शन का इशू फेस करना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस वीडियो के अंदर मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है जिस ट्रिक को अगर आप यूज करोगे तो नावी के अंदर आपका बहुत ही आसानी से लोन अप्रूव होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब देखो नावी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब की जनता गलत तरीके से लोन अप्लाई कर रही है और यहाँ पे उनका लोन एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2-3 तगड़े ऐसे ट्रिक बताए हैं जिसके थ्रू यहाँ पे आपका आसानी से लोन अप्रूव हो जाएगा और 5 मिनट के अंदर जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी के टाइम में अगर आप नावी एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपए का रेफरल बोनस भी दिया जाता है। तो अगर आप अभी हमारे लिंक के थ्रू इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपए का जो रेफरल इनकम है वो इस एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नावी एप्लीकेशन का आपको लिंक प्रोवाइड किया है, एक बार लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और सिंपली एप्लीकेशन को यहाँ से आप ओपन कर देंगे। अब देखिए जैसे ही एप्लीकेशन को यहाँ पे आप ओपन करते हैं सबसे पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है। तो अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है और गेट ओटीपी वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा और यहाँ पे आपको अपना जो ओटीपी है उसे वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर को जैसे ही ओटीपी के साथ वेरीफाई कर लेते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और नावी के अंदर भाई साहब आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोन अप्लाई करने के लिए आए हैं तो यहाँ पे आपको कैश लोन जिसके ऊपर आपको 0 रुपए फी दिखाया जा रहा है आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप इसे यहां से क्लिक करेंगे और इसके बाद आप इसे यहां से नेक्स्ट कर देंगे। अब एक बार जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहां पे आप देख सकते हो लोन अप्रूवल इन 2 मिनट्स और बेसिकली यहां पे आपको अपना कुछ डिटेल्स फिल करना है, उसके बाद ऑफर अनलॉक होगा, देन बैंक डिटेल्स आप डालेंगे, पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो बेसिक डिटेल्स, उसके बाद आपको अपना क्या काम करते हो, बैंक डिटेल, उसके बाद यहां पे आपसे सेल्फी वगैरह ली जाती है। तो बेसिकली आपको टर्म्स एंड कंडीशन को यहां पे क्लिक करना है और नीचे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब एक बार जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं ऊपर आपका पूरा नाम यहाँ पे पूछा जाता है। अब देखो यही पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अपना वो नाम भरना है जो आपके पैन कार्ड में दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपना पैन में जो नाम है उसे यहाँ पे इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में यहाँ पे आप अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। इसको भी ध्यान रखना कि जो आपके पैन कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है और सिंपली उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब एक बार जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हो बेसिकली यहाँ पे आपका पैन नंबर आपसे पूछा जाता है तो अपना पैन नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर भाई साहब आप क्या काम करते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर अदर्स है, आप जो भी काम करते हैं यहाँ पे अपना काम सेलेक्ट करेंगे और मंथली इनकम के अंदर आप अपने महीने का जो इनकम है उसे फिल करना है। तो जो मंथली इनकम है उसे बढ़ा चढ़ा के बोलना ताकि यहाँ पे आपका जो लोन का एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे अपना मंथली इनकम आप फिल करेंगे और उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो एक बार जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हो बेसिकली आपका जो पैन डिटेल है उसे चेक किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे आपको लोन लिमिट दिखाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे एलिजिबिलिटी के हिसाब से 22,000 रुपए का जो लोन है वो अप्रूव हुआ है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 22,000 रुपए के लोन में यहाँ पे हमें जीरो प्रोसेसिंग फी के अंदर ये लोन अप्रूव हो रहा है और जीरो फोरक्लोजर चार्जेस, मतलब अमाउंट को अगर हम पहले भी जमा करें फिर भी उसके ऊपर 1 रुपए चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। क्योंकि देखो आज के टाइम में मल्टीपल ऐसे लोन एप्लीकेशन है जिसके अंदर अपना ईएमआई से पहले अगर पैसे वापस करना चाहो तो वो आपसे भर भर के यहाँ पे मोटा चार्ज लेते हैं, लेकिन नावी के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाता है कि आप जब भी कभी चाहो अपना यहाँ पे ईएमआई भर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्लस बेनिफिट ये है। और देखो अभी के टाइम में मार्केट के अंदर बहुत ऐसे लोन एप्लीकेशन है जो आपको 10,000 रुपए का अगर लोन भी देती है तो आपको वो 2,000-1,500 रुपए एज अ प्रोसेसिंग फी ले लेती है। तो यहाँ पे आपको जीरो प्रोसेसिंग फी के थ्रू लोन दिया जा रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट आपको इस एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो देखो अगर हम 9 महीने के लिए 22,000 का ये लोन लेते हैं 2.4% पर मंथ के हिसाब से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा और यहाँ पे जो हमारा ईएमआई आएगा 2,800 रुपए का ईएमआई आएगा। अब देखो अगर आप चाहते हो ये 22,000 रुपए को कम करना तो कम भी कर सकते हो या फिर 22,000 तक आप लोन ले सकते हो और अगर आप ईएमआई बढ़ाना भी चाहते हो घटाना भी चाहते हो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो और उसके बाद आपको डायरेक्टली नीचे वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखो एक बार जैसे ही वेरीफाई बैंक पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो पैसा आपका अप्रूवल हुआ है वो आपको अपने किस बैंक अकाउंट के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे आप जो भी बैंक डिटेल दोगे उसी के अंदर आपका ये जो पैसा है वो ट्रांसफर होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक है उसकी आईएफएससी कोड और उसके नीचे अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको कंप्लीट फिल करना है और एक बार आप बैंक डिटेल फिल करेंगे सिंपली आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा अब यहाँ पे आप एक बात का और भी ध्यान दो कि यहाँ पे जो भी आप बैंक डिटेल डालोगे
जिनके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हो उन्हीं का डिटेल डालना, नहीं तो आपका ये जो लोन एप्लीकेशन है वो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बैंक डिटेल डाल के इसके बाद आप इसे नेक्स्ट करोगे। अब एक बार जैसे ही आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको अपना सेल्फी अपलोड करना है, तो सिंपली आप सेल्फी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक मुस्कुराता हुआ अपना एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और जैसे ही सेल्फी अपलोड करते हैं, नीचे आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है, तो सिंपली आप सेल्फी अपलोड करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको दो ऑप्शन दिखाए जाते हैं, पहला है डिजी लॉकर, दूसरा है मैनुअली। तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर सेलेक्ट करना है क्योंकि इसके अंदर आपका पैन भी वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपका आधार भी वेरीफाई हो जाएगा। तो सिंपली आप डिजी लॉकर सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको इंटर आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अपना 12 संख्या का जो आधार नंबर है उसे आपको इंटर करना है और ये जो कैप्चा आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होगा उस पर आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, अपना ओटीपी वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे जो आपका ई केवाईसी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ई केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा से एड्रेस का कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है जहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। इसके अंदर आप सबसे पहले फ्लैट हाउस नंबर में आप अपना जो भी हाउस नंबर होगा वो फिल करेंगे, स्ट्रीट लोकेलिटी पोस्टल कोड सिटी स्टेट, यहाँ पे आप जहाँ पे भी फिलहाल रह रहे हो वहाँ का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। और एक बार एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब एक बार जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बेसिकली अब आपको अपना रीपेमेंट शेड्यूल सेट करना होता है। बेसिकली नावी के अंदर जो आप ये लोन ले रहे हो इसका आपको रीपेमेंट भी करना है, तो इसके लिए आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपना रीपे स्मार्टली जो ऑप्शन होता है जो कि ई मैंडेट बोला जाता है उसको आपको सेट करना होता है। तो यहाँ पे सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन है, सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे नावी का ऑटो पे सेटअप का ऑप्शन आ चुका है जिसमें आपका लोन अमाउंट आपका बैंक डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपसे ये पूछा जाता है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना ई मैंडेट करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो जो भी बैंक यहाँ पे आप डिटेल फिल किए हो जिसमें आपको लोन का पैसा चाहिए उसका नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट करेंगे, अगर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको कार्ड का नंबर CVV एक्सपायरी डेट मांगा जाता है, आपके अकाउंट से ₹1 कट किए जाएंगे और यहाँ पे जो आपका ई मैंडेट वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बार ई मैंडेट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे अपना EMI डेट चुन सकते हैं जिसके अंदर आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट से कब कटेगा, किस डेट को आप अपना EMI बनवाना चाहते हैं। उस केस में यहाँ पे आपके सामने कैलेंडर आ चुका है, आप कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप डेट सेलेक्ट करेंगे उसी डेट में आपका पैसा आपके अकाउंट से काटा जाएगा। सिंपली आप गेट कैश पे क्लिक करेंगे और ये जो नावी का लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखो नावी के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। मुझे नहीं लगता है कि नावी लोन एप्लीकेशन को लेकर आपको अभी कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन बच चुका है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।